सारंगढ़ पुलिस ने 3 गाय समेत 1 कोचियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कोचिया गाय को कटिंग के लिए लेकर जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर उन्हें 30 गायों के साथ रंगे हाथे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गायों को गौशाला में भिजवा दिया है। आपको बता दें, सारंगढ़ पुलिस को कल देर रात सूचना मिली कि ग्राम कुधरी के पास कुछ लोगों द्वारा भारी संख्या में पशुओं को हांकते हुए सारंगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा है, जिस पर सारंगढ़ थाना प्रभारी ने पुलिस की तत्काल टीम मौके पर रवाना की, जहां मौके पर पुलिस को आता देख गाय को हांकते ला रहे 2 कोचियों में से 1 कोचिया फरार हो गया, वहीं 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके पास से लगभग 30 गायों को अपने कब्जे में ले लिया है। पूछताछ करने पर उनके पास से सिर्फ 6 रसीद पाई गई। वहीं पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी पशुओं का डॉक्टरी प्रशिक्षण कराकर गौशाला के सुपुर्द कर दिया है। वहीं कोचिए पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। कल शाम को करीब 7 बजे हमको सूचना मिली थी कि कुछ लोग मवेशियों को मारते पीटते हुए हांकते ला रहे हैं और ये कुधरी के पास देखा गया है। सूचना पर मैंने ASI सोनवानी साहब को भेजा था, साथ में स्टाफ भी थे। उनके द्वारा जाने पर कुधरी से कटेकोनी मार्ग में 2 लोग हांकते हुए ले जा रहे थे। उनको आवाज़ देने से एक तो भाग गया, दूसरा पकड़ाया है। उसके कब्जे से 6 रसीद बुक भी मिला है और करीब 30 गाय भी मिला है। तो हमने उसमें मौके पर ही देहाती नाल से लेकर के छत्तीसगढ़ पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम सभी मवेशियों का परीक्षण भी करवा लिए हैं और अभी थोड़ी देर बाद सारे मवेशियों को हमारे सारंगढ़ में जो गौशाला स्थित है वहाँ पे उनको रखने के लिए दे दिया जाएगा। अभी इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? जैसा उसके बताने के अनुसार 2 व्यक्तियों का नाम और आया है, उनको भी हम बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।